हे दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आपको पता है हम रोज़ की तरह आज भी आपके लेकर आए हैं 28 मई की करंट लेकर। तो साथियों करंट है वो भावी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है और आप सभी के लिए, भारत के जो नागरिक हैं उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है साथियों। तो साथियों शुरुआत करते हैं 28 मई की पहली करंट के साथ। तो पहली जो करंट है साथियों अपनी 28 मई वाली, तो वो है वीर सावरकर की जयंती। तो वीर सावरकर की जयंती साथियों 28 मई को मनाई जाती है, ठीक है। तो 28 मई को स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर की जयंती मनाई जाती है और उन्हें आम तौर पर स्वातंत्र्य वीर, ठीक है, स्वातंत्र्य वीर सावरकर या केवल सावरकर के नाम से जाना जाता है। साथ ही वह एक भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता और राजनेता थे जिन्होंने हिंदुत्व के हिंदू राष्ट्रवादी दर्शन की शुरुआत की थी और वह हिंदू महासभा के एक प्रमुख व्यक्तित्व भी रहे थे, ठीक है, हिंदू महासभा के प्रमुख व्यक्तित्व भी रहे थे। आगे बात करते हैं एमनेस्टी की। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल डे है वो भी 28 मई को मनाया जाता है और ये क्या है इसकी जानकारी भी देते हैं हम आपको। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल डे जो है वो 28 मई को मनाया जाता है और एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना है वो 1961 में द फॉरगॉटन प्रिजनर्स, ठीक है, द फॉरगॉटन प्रिजनर्स लेख के प्रकाशन के बाद लंदन में हुई थी, ठीक है, लंदन में हुई थी इसकी शुरुआत। साथ ही बात करते इसकी स्थापना हुई थी और ये एक गैर सरकारी संगठन है जो दुनिया भर में 3 मिलियन से अधिक सदस्यों और समर्थकों के साथ मानवाधिकारों पर केंद्रित है। संगठनों को 1977 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। आगे बात करते हैं महिला स्वास्थ्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही दिवस, ठीक है। तो महिला स्वास्थ्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्य दिवस क्या है कि महिला स्वास्थ्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्य दिवस है वो, या अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य दिवस भी कह सकते हैं। ये हर साल 28 मई को मनाया जाता है और इस दिन का उद्देश्य यही है कि यौन और प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकार SRHR जैसे महिलाओं की स्वास्थ्य और कल्याण से संबंधित मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाना है, ठीक है। साथ ही ये दिन है वो 1987 में अस्तित्व में आया था और दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने उस दौरान आधिकारिक तौर पर इसे मान्यता दी थी। आगे बात करते हैं विश्व भूख दिवस, ठीक है। तो विश्व भूख दिवस है वो भी 28 मई को मनाया जाता है। इसमें क्या हुआ था कि विश्व भूख दिवस हर साल 28 मई को मनाया जाता है लेकिन एक अभूतपूर्व, ठीक है, अभूतपूर्व वैश्विक संगठन के दौरान जीर्ण भूख में रहने वाले 690 मिलियन से अधिक लोगों के बीच जागरूकता लाने के लिए द हंगर प्रोजेक्ट, ठीक है, द हंगर प्रोजेक्ट है ये इस दिन शुरू किया गया था, ठीक है। साथ ही बात करते हैं कि ये न केवल जीर्ण भूख के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है बल्कि सतत उपक्रमों के माध्यम से भूख और गरीबी को मिटाने के लिए भी मनाया जाता है। आगे बात करते हैं पीपीपी की। तो ट्रिपल पी मॉडल पर बनेगा भारत का पहला रिएक्टर, ठीक है, भारत का पहला रिएक्टर बनने वाला है। परमाणु ऊर्जा विभाग DIE सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP मॉडल पर देश का पहले अनुसंधान रिएक्टर का निर्माण करेगा। साथ ही भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BRC द्वारा डिजाइन किया जाने वाला अनुसंधान रिएक्टर रेडियो आइसोटोप का उत्पादन करेगा। तो साथियों आपको बता दूं मैं कि रिएक्टर ये होता है, ठीक है, सबसे बड़ा यंत्र होता है ये रिएक्टर। आगे बात करते हैं DIE अपनी सहायक कंपनी न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के माध्यम से अग्रिम पूंजी प्रदान करेगा और संयंत्र का निर्माण करेगा। साथ ही आगे बात करते हैं कोविड राहत के लिए 1 करोड़ रुपये जुटाएगी नई पुस्तक, ठीक है। तो एक नई पुस्तक है जो कि 1 करोड़ रुपये जुटाएगी जो कि कोविड राहत के लिए होगा। तो दिल्ली के पर्वतारोही आदित्य गुप्ता ने 7 लेंसेस फॉर्म एवरेस्ट नामक एक पुस्तक लिखी है और उन्होंने कोविड राहत के लिए अपनी आगामी पुस्तक के माध्यम से 1 करोड़ रुपये जुटाने का निर्णय भी लिया है। साथ ही यह पहल है वो चाइल्ड राइट्स एंड यू CRY के सहयोग से है और इस पहल का उद्देश्य है कि कुल 3,272 बच्चों को बेहतर देखभाल, सुरक्षा और शिक्षा प्रदान करने में सहायता करना है। आगे बात करते हैं कि 3 भारतीय शांति रक्षकों को राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र सम्मान मिल चुका है और अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक दिवस के अवसर पर तीनों शांति रक्षकों को डेग हेमसेल्ड हॉल्ट, ठीक है, डेग हेमर्स होल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। और पुरस्कार पाने वालों में एक तो कॉर्पोरल अटैच, ठीक है, तो कॉर्पोरल यूरासी शामिल है जिन्होंने दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन ठीक है यूनाइटेड नेशन मिस में कार्य किया है, ठीक है, इस मिशन में इन्होंने कार्य किया, इंटरनेशनल मिशन में कार्य किया। इन्होंने 2 नागरिक शांति रक्षक, ठीक है, यूनाइटेड नेशन मिशन के साथ सेवा करने वाले इवान माइकल पिकाडो और इराक में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन के लिए कार्य करने वाले मूलचंद यादव भी
शामिल है। इन तीन जनों को शांति रक्षक पुरस्कार मिला है अवार्ड। ये बात करते हैं कि भारत को वेंटिलेटर मुहैया कराएगा जापान। जापान है वो भारत को वेंटिलेटर मुहैया कराने वाला, उपलब्ध करवाने वाला है। तो जापान ने अतिरिक्त वेंटिलेटर और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ठीक है, देकर भारत की मदद करने का फैसला लिया है। और यह यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर पार्टनरशिप्स के माध्यम से मदद करेगा, ठीक है। तो जापान है वो अमेरिका, ब्रिटेन, रूस सहित कई देश भारत को महामारी के खिलाफ लड़ाई में COVID-19 सहायता प्रदान करने के लिए आगे आए हैं। साथ ही आगे बात करते हैं, संजय दत्त को मिला है UAE का गोल्ड वीज़ा, ठीक है, गोल्ड वीज़ा मिला संजय दत्त को। तो संजय दत्त को संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात सरकार ने गोल्डन वीज़ा दिया है। दुबई के शासक और प्रधानमंत्री की मंजूरी के बाद मई 2019 में वीज़ा लागू हुआ है। और गोल्डन वीज़ा एक लंबी अवधि का निवास वीज़ा है। ये देश जो है वो UAE के भीतर रहने का अवसर देने के बदले में UAE को महत्वपूर्ण निवेश की पेशकश करने के इच्छुक धनी व्यक्तियों पर लक्षित है। साथ ही बात करते हैं, MQS वर्ग में तेजस्विनी सावंत ने हासिल किया है शीर्ष स्थान, ठीक है। तो तेजस्विनी सावंत ने MQS वर्ग में शीर्ष स्थान हासिल किया है। उन्होंने क्रोएशिया में यूरोपीय शूटिंग चैंपियनशिप में पूर्व विश्व चैंपियन तेजस्विनी सावंत ने 50 मीटर राइफल प्रॉन इवेंट के न्यूनतम योग्यता स्कोर वर्ग में शीर्ष स्थान हासिल किया है। साथ ही उन्होंने 3 अन्य हम वतन और 6 ईरानियों से आगे आने के लिए 622.7 का स्कोर बनाया है। साथ ही वह जुलाई अगस्त 2021 में ओलंपिक खेलों में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली है, ठीक है। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ कि हम आपके लिए जो 28 मई की करंट लेकर आए थे, साथियों 28 मई की जो हम करंट अफेयर आपके लिए लेकर आए थे, आपको काफ़ी रोचक लगी होगी साथियों, और आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट भी है साथियों, जो स्टूडेंट हैं उनके लिए तो खास करके इम्पोर्टेंट है साथियों। तो जल्दी जल्दी इस करंट वीडियो को आप शेयर कर दीजिए, ठीक है, आपकी जो करंट वीडियो है इसको आप जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए। और साथ में आपका ये जो किरण ऑनलाइन स्टडी है KOS है, इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। और साथ में जो घंटी का बटन आपको दिख रहा साथियों, ठीक है, घंटी का बटन आप जैसे ही आप चैनल को प्रेस सब्सक्राइब करोगे, प्रेस करोगे, उसके साथ एक घंटी का बटन आएगा साथियों, तो आप उसे प्रेस कर दीजिए ताकि इसे और नोटिफिकेशन रख दे, और हम जब भी वीडियो कोई अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक आए। तो साथियों, आज का दिन आपका शुभ बीते, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए KOS के साथ।